बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं से शहर के अधिकारियों द्वारा अपील की गई है कि रमजान का माह आरंभ हो चुका है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस रमजान के अवसर पर रोजे रखते हैं और अपने गुरुओं के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। बुलंदशहर के प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वह इस पावन माह में लॉकडाउन की उल्लंघना किसी भी सूरत में ना करे ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। आपको बता दें कि रमजान प्रारंभ हो रहा है और इसके लिए धर्म गुरुओं विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं से अपील है कि रोजा के दौरान अपने घर में रहें और अपनी सारी धार्मिक क्रियाकलाप अपने घरों से ही संपन्न करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, इसके साथ ही बाहर किसी भी रूप में ना निकले, हो सके कम से कम निकले। उनके और समाज के लिए, दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम इसका पालन करेंगे। इसके साथ ही हम लोगों के लेवल से जो संवेदनशील स्थल है, जो हॉटस्पॉट चिन्हित है, वहां पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही बाजारों में गश्त बढ़ा दी गई है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन का अनुपालन करें। उधर दूसरी तरफ शहर इमाम काजी जैनुअल ओबेदीन ने सभी मुस्लिम लोगों से अपील की है कि सब घर में रहकर ही नमाज पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बुलंदशहर से संवाददाता मुकेश कुमार लोधी की रिपोर्ट। मौलाना, जैसे कि माह रमजान करीब आ रहा है, तरावियां लोग मस्जिदों में पहले पढ़ा करते थे, तो अब लॉकडाउन में चलते हुए जो बीमारी चल रही है, इसमें लोगों से आपने क्या अपील की है? लोगों से ये अपील की है कि लॉकडाउन है और इस बीमारी से हिफाजत के लिए यकजा होना और भीड़ लगाना, ये है। डॉक्टर लोग इसको मना करते हैं, इसकी हिफाजत अलग अलग और फासले के साथ रहने ही में है। इसलिए जैसा कि अब तक फ़र्ज नमाजें लोग घरों पर पढ़ रहे हैं और मस्जिद में तीन चार लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरह रमज़ान में भी लोग अपने घरों पर ही नमाज के साथ तरावी की नमाज अदा करें और मस्जिदों में जिस तरह से पहले से पढ़ रहे हैं तीन चार लोग, इसी तरह अब भी तीन चार लोग ही पढ़ते रहें। सर, रमजान शुरू होने पर किस तरह की पुलिस व्यवस्था की जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल या परसों से संभवतः रमजान प्रारंभ हो रहा है और इसके लिए हमने सभी धर्मगुरुओं से, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं से अपील की है और संवाद स्थापित कराया है थाना स्तर पर कि इस अवधि में रोजा के दौरान लोग अपने घरों में रहें और सारी अपनी धार्मिक क्रियाकलाप जो है घरों के अंदर ही संपादित करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, इसके साथ ही किसी भी रूप में बाहर कम से कम निकलें, या नहीं निकलें तो उनके और समाज के दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। और मुझे उम्मीद है कि लोगों ने आश्वासन दिया है कि इसका अनुपालन कराएंगे। इसके साथ ही हम लोगों के लेवल से जो इस तरह के संवेदनशील स्तर हैं, जो हॉट स्पॉट्स चिन्हित हैं, वहाँ पर भी गश्त बढ़ा दी गई है, साथ ही बाज़ारों में गश्त बढ़ा दी गई है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.